मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है, आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए भजन संहिता 18 उसका 20वां वचन से 28वें वचन तक हम पढ़ें। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर ना हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाया रहा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वो देखता था। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है, क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। ये जो वचन हमने पढ़ा है, ये राजा दाऊद परमेश्वर की आराधना में और स्तुति में ये लिख रहा है। और ये वचन, जैसे हम पिछले दिनों देख रहे हैं, ये भजन संहिता दाऊद के जीवन के कई घटनाओं से जुड़ी हैं। लेकिन आज जो हमने ये वचन पढ़ा है 20 से 28 तक, ये तो स्पष्ट है ये दाऊद के जीवन से मेल नहीं खाता है। दाऊद हमारी तरह का एक पुरुष है, व्यक्ति है, उसमें बहुत कमियां उसमें थी। दाऊद प्रभु यहोवा को, परमेश्वर के व्यवस्था को, आज्ञाओं को, विधियों को प्यार करता था और सच्चे मन से उनमें चलता था। लेकिन उसी समय बाकी हम मनुष्यों की तरह उसमें बहुत कमियां भी थी। इसीलिए दाऊद अपने भजन संहिता में कहता है, पाप में मेरा जन्म हुआ, मैं अपने मां के गर्भ में जब था पाप में मेरा जन्म हुआ। लेकिन जब हम मसीह यीशु के जीवन को देखते हैं, ये वचन प्रभु यीशु मसीह के जीवन के साथ मेल खाता है। जब वो इस पाप में संसार में मनुष्य के रूप में जीवन बिताते थे, मनुष्य मसीह यीशु पाप रहित, निष्कलंक और एक सिद्ध जीवन इस पृथ्वी में बिताकर हमारे लिए एक आदर्श छोड़ गए हैं। परमेश्वर के धार्मिकता के सबसे ऊंची कोटि को, सबसे ऊंचे मापदंड को मसीह यीशु के जीवन ने छुआ, जिसके कारण स्वर्ग प्रसन्न था। इसलिए स्वर्ग से आवाज आई, वो आवाज जिसने मसीह यीशु के जीवन की गवाही दी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अति प्रसन्न हूं। मसीह यीशु के 30 साल के इस संसार के जीवन को लोगों के दृष्टि से छुपा रखा है, लेकिन स्वर्ग की नजर में वो प्रसन्नदायक था। और ये ऐलान हुआ, ये घोषित किया गया कि वो परमेश्वर का मेमना है, सिद्ध मेमना है, जो मनुष्य जाति के पाप को उठा ले जाने के लिए योग्य है। कल हम मनन कर रहे थे कैसे मृत्यु और अधोलोक के बंधनों ने मसीह यीशु को रोक नहीं रखा, उसे पकड़े नहीं रख सके। जैसे वो आदम के बाकी सब संतानों को अपने वश में रखते हैं, मसीह यीशु ने परमेश्वर के मार्गों को संभाला, उसके अनुसार चले और परमेश्वर के विधियों को, नियमों का पालन किया। प्रभु यीशु पवित्र परमेश्वर के मापदंड को जानता है क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। लेकिन संपूर्ण मनुष्य के तौर पर परमेश्वर के वो दिव्य व्यवस्था की दृष्टि में सारे व्यवस्था का पालन किया। परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी थे। इसलिए इस भजन संहिता का 23 और 24वां वचन एक शुद्ध विवेक के साथ
मसीह यीशु ही कह सकता है, मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वो देखता था। हम सब परमेश्वर के उस अनुग्रह की बहुतायत के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की करुणा के लिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। इसलिए हम परमेश्वर के सामने, हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ नहीं। हमारा विवेक हमें चुबाता है, हमें याद दिलाता है कि हम अयोग्य पात्र हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही हम आज के दिन जीवित हैं। लेकिन अब जब हमें मसीह यीशु के द्वारा नया जीवन मिला, हमें मसीह यीशु ने जो आदर्श दिया उसके अनुसार चलना है, तभी हम उस पुनरुत्थान के सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। अगर हम पाप का आनंद लेते हैं, मोह में डूबे रहते हैं, तो कभी भी हम मसीह में बसे नहीं रह पाएंगे। मसीह यीशु, जिन्होंने पवित्र जीवन बिताया और हमारे पापों के लिए कीमत अदा की, क्या एक व्यक्ति जो पाप में अपने जीवन बिताता है और परमेश्वर के अनुग्रह की कीमत नहीं समझता है, क्या उसे परमेश्वर सहेगा? ध्यान रखें, पाताल और अधोलोक या मृत्यु के उस वेदना से, उस बंधन से हम अपने सामर्थ्य या रीति रिवाजों के ताकत से हम बच नहीं सकते। अगर हम मसीह में बने रहे, तभी मसीह के उस जी उठने के सामर्थ को हम अनुभव कर पाएंगे और कह पाएंगे, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? अगर हम मसीह में बने रहे, तब हमारा सच्चा मन पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें मदद करेगा, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होगा। हम सबके जीवन में कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वरन अगर हम मसीह में अपने प्रभु से लिपटे रहें, जो हमारा बल है, तो हम अपने दुश्मन को सामना कर एक जैवन जीवन बिता पाएंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है ताकि हमें याद दिलाए परमेश्वर के पवित्र व्यवस्था को, जो हमारे जीवन के लिए मापदंड है, जिसके अनुसार हमें चलना है। और अगर परमेश्वर के वचन को हम सच्चे मन से माने, किसी जोर या किसी दबाव में नहीं, वरन सच्चे प्रेम भरे हृदय के साथ हम प्रभु के वचन को माने, तब हमारा जीवन परमेश्वर के लिए प्रसन्नदायक होगा। तब हमारे जीवन में हमें वो दिलेरी भी होगी कि मेरी प्रार्थना को प्रभु सुनता है, चाहे जीवन में कितना भी अंधकार हमारे चारों तरफ छा जाए। हमारा प्रभु जो हमारा दीपक है, हमारे अंधकार में ज्योति दिखाएगा। सो आइए, दिल की गहराई से हम अपने प्रभु को प्यार करें, और जैसे आदर्श हमारे सामने रखा है, पवित्र और सिद्ध होते हम जाएं। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। अगर परमेश्वर ने इसराइल के कौम को नहीं बख्शा, जिन्होंने दुष्टता को प्रेम किया, परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया, ध्यान रखें, डरते कामते हुए हम प्रभु के आज्ञाओं को मानकर प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं, उसके लिए परमेश्वर हमें एक एक को मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे अवसर के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए। बाप, आप हमें एक एक से बात कर रहे हैं, हमारे सामने जो आदर्श रखा है उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, हम खुद चल तो नहीं सकते, लेकिन आपकी आत्मा हमारे साथ वास करती है। प्रभु, आपके व्यवस्था, आपके वचन को दिल से प्यार करते हुए, जीवन के हर बातों में ध्यान रखते हुए, डरते कामते आपको प्रसन्न करने वाला जीवन बिताने के लिए हमें मदद कर। प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद। प्रभु, आपका आगमन जब नजदीक है, आपके वचन के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा आप हमसे बात कर रहे हैं। आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। शैतान की युक्तियों को पहचानने के लिए हमें ज्ञान और समझ दे। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।